Am I audible? One second. Yes, sir, you're right. सॉरी फॉर द डिले, पेशेंट था, हटा नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं सर. एम आई द प्रेजेंटर? कैन आई शेयर माई स्क्रीन? यस सर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. हेलो, आई एम प्रशिता. हाय मैम, हाउ यू? आई I'm fine. How are you, sir? Yes, एम गुड, आई एम गुड। इज द स्क्रीन विजिबल? yes. ओके, सो लेट मी नो व्हेन टू स्टार्ट। आई विल स्टार्ट। शुड आई स्टार्ट? ये सर, आई थिंक प्रशिता आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगी और फिर उसके बाद में आप इसको आगे पढ़ा सकते हैं. ओवर टू यू प्रशिता जी, आप सबके बारे में भी बता करके फिर हम लोग जो है आगे शुरू कर सकते हैं. थैंक यू सर. ओके, यस यस. हेलो, वेलकम एवरीवन. ये वेबिनार का टॉपिक है ओरल हाइजीन अवेयरनेस, एंड द स्पीकर फॉर दिस इज डॉक्टर अंकित झा. ही इज टोबैको सिजेशन स्पेशलिस्ट इन गुजरात यूनिवर्सिटी. ही इज ऑल्सो एन ओनर एंड डेंटल सर्जन. डॉक्टर झाज डेंटल डेंटिस्ट्री के लिए डॉक्टर झा को 3 बार इंटरप्रेन्योर डेंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया है. एंड ही'ल गाइड अस एंड मेक अस अवेयर हाउ व्हाई ओरल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो यू कैन कंटिन्यू. ओके, स्टार्ट करूं। हिंदी विल बी द प्रेफर्ड लैंग्वेज आई थिंक। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर अंकित झा। प्रोशिता मैम ने अच्छे से आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू टॉक। सो आज का टॉपिक है ओरल हाइजीन अवेयरनेस। इसके एंड में, सेमिनार के एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, जिसमें किसी को अगर कोई ऐसा डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी को डायरेक्ट कंसल्टेशन चाहिए अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स, तो वो डीजी स्वास्थ्य के थ्रू अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। एंड आज सिर्फ मैं डेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या जनरल होते हैं लोगों में, उनका क्या यूजुअली सोल्यूशन होता है, बिकॉज काफी बार लोगों को पता नहीं होता कि दांत में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है तो अब अगला क्या करना है। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स बताऊंगा, और वो सारी चीजें जिससे आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, आपको डेंटिस्ट के पास जाने की कभी जरूरत ही ना पड़े, वो सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने के पहले, अच्छा एक चीज बता दीजिए, इंटरैक्टिव होगा या मतलब वीडियो सेशन चल रहा है, पीपल आर जस्ट वॉचिंग, और कैन आई आस्क क्वेश्चंस? सर, पीपल आर जस्ट सर, सॉरी, आवाज आई आप नहीं। पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. अच्छा लोग अनम्यूट करके आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. ओके ओके, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है लोगों को? सबसे ज्यादा जो नोटिसेबल चीज है या जो जो दिख रही है लोगों को, व्हाट इज दैट? मतलब क्या दिख रहा है लोगों को इस पिक्चर में? टीथ, है स्माइल दिख रही है. स्माइल, दांत के बीच में वो फंसा हुआ दिख रहा है। किसी और को यस कुछ सर, और नोटिस हो रहा है? दांत दांत के बीच में एक धब्बा दिखाई दे रहा है. हाँ, दांत के अलावा, दांत के अलावा कुछ है पिक्चर में? ये एक्स्ट्रा हाथ दिख रहा है किसी को? मैम के दोनों हाथ यस सर, सामने हैं, पीछे में किसी का भी हाथ नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। चलिए एक और पिक्चर है, इस पिक्चर में बताइए आपको कुछ और दिख रहा?
इनका कान नहीं है एक। वैसा ही एक थर्ड पिक्चर है, इसमें भी आप नोटिस करिए कहने का उंगलियां मतलब ज्यादा ये है। है। जी, कहने का मतलब ये है कि अपीयरेंस में किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो, ध्यान हमारा सबसे पहले उनके दांतों पे ही जाता है, ना आईज पे जाता है, ना आईब्रोज, हेयर स्टाइल, स्किन। सबसे पहला जो ध्यान जाता है हमारा वो दांतों पे जाता है। दांत हमारे इसलिए इतने जरूरी हैं, खाना खाने के लिए तो है ही, हमारे अपीयरेंस के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, सब कुछ के लिए हमारे दांत उतने ही जरूरी होते हैं। और दांत इतने इंटीग्रल पार्ट होते हैं हमारे कि जिनके पास दांत नहीं होते हैं, जिनके दांत निकल गए होते हैं, सिर्फ वही बता सकते हैं कि दांत नहीं होने से कितनी तकलीफ है। दांत होते हैं तब तो जैसे हवा आ रही है, सांस आ रही है, हमको लगता है कि सब नॉर्मल ही है, इसमें नया क्या है। लेकिन जब एक भी दांत हमारा मिसिंग हो जाता है, दांत में दर्द होता है, तब हमें रियल इंपॉर्टेंस पता चलती है हमारे दांतों की। ये इंडिया में एक सर्वे हुआ था करीब 2004 में, अब तो बहुत साल हो गए हैं, 15-18 साल हो चुके हैं, बट उसमें ये देखा गया था कि ऑलमोस्ट 52% के जो 5 साल के बच्चे थे उनके दांत खराब थे, दांतों में कैविटीज थे। 12 साल आते आते वो नंबर बढ़ गया 53%, 15 साल आते आते नंबर और बढ़ गया 63%, और जब तक इंसान 35, 40, 50, 60, 70 की एज पे आ जाता है तब तक परसेंटेज और बढ़ जाता है, और दांत हमारे सिर्फ खराब ही होते रहते हैं, दांत अपने आप ठीक नहीं होते। ये तो हमारा 2004 का मैट्रिक था जो स्टडी हुई थी 2004 में। रिसेंटली मैं जब से मैंने डेंटल कॉलेज से पास आउट किया है, जब से मैं डेंटिस्ट्री में आया हूँ, तब से मैंने बहुत सारे कैंप्स किए हैं। इतने किए हैं कि मुझे अब ऑनेस्टली खुद याद नहीं है कि मैंने टोटल कितने कैंप्स किए होंगे, कितने लोगों का चेकअप किया होगा, कितने लोगों को उनके दांतों के बारे में बताया होगा। और इतने सारे कैंप्स में जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि ऑलमोस्ट जो केरीज होता है बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं 40% उनके दांत खराब होते हैं, दांत जो कैविटीज का बता रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 80% से ऊपर जो हमारे अडल्ट होते हैं उनका खराब होता है। किसी ने आई थिंक स्क्रीन पे मार्क कर दिया है, वो अगर कोई मिटा दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, इधर से हट गया। जो होस्ट है, इज इट पॉसिबल कि वो एनोटेशन को मतलब डिसलेक्ट कर लें कि कोई और एनोटेट ना कर पाए, बिकॉज ये आई थिंक होस्ट के साइड से ही हो सकता है। एनीवे, सो जिंजिवाइटिस जो होता है वो हमारे मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, ये सब क्या है। बट एक तरह से ये समझ लीजिए कि हमारे मसूड़े में जो प्रॉब्लम होती है, मसूड़े में जो इन्फेक्शन होता है, वो ऑलमोस्ट 98% बच्चों में होता है एंड उतना ही बड़ों में होता है। यानी कि अगर एक बार इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया गम्स का तो वो आगे बढ़ता ही रहता है, वो खुद से कम नहीं होता जब तक उसका ट्रीटमेंट ना करें। जिंजिवाइटिस होता है हमारा मसूड़ों का इन्फेक्शन, पेरियोडोंटाइटिस होता है हमारा हड्डियों का इन्फेक्शन। इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि दांतों की प्रॉब्लम हम सब में होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको दांतों में दर्द नहीं हो रहा है तो दांतों में प्रॉब्लम नहीं है, मसूड़े से खून नहीं आ रहा है तो आपके मसूड़े में प्रॉब्लम नहीं है। दांत में कभी भी पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग तभी होगा अगर आपका जो डेंटल प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे आ गया है। स्टार्टिंग में कोई इन्फेक्शन, कोई पेन, कोई सिम्टम कुछ भी नहीं होता। जो हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, दांतों के प्रॉब्लम्स होते हैं, मेनली वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है जो हमारे दांत में दर्द होता है, दांत में पेन होता है, और दूसरा होता है जो हमारे गम्स में इरिटेशन होती है, गम से ब्लीडिंग होती है, और वो सारी चीजें होती हैं। तो इन दो कैटेगरीज के बारे में मेनली आज मैं बताऊंगा आपको कि दांत से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड मसूड़े से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके पहले एक बार हम देख लेते हैं
ब्रॉडली कि दांत के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पूरा दांत बना हुआ है। सबसे ऊपर में इनामिल है, क्राउन, इनामिल, डेंटिन और पल्प। ये हमारे तीन पार्ट्स होते हैं टूथ के। उसके अलावा साइड में अंदर हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर हमारा दांत रहता है, उसके ऊपर हमारे मसूड़े रहते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों के दांत सफेद होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए ऊपर वाला जो लेयर है, जो जिसे हम इनामिल कहते हैं, वो हमारा ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब वो हमारे ग्लास की तरह होता है। उसका अपना कोई कलर नहीं होता, वो खुद से ना व्हाइट होता है ना येलो होता है। जो उसके नीचे वाला पार्ट है, डेंटिन जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा थोड़ा सा ब्राउनिश येलोइश रहता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो दांत हैं वो किस कलर के हैं। अगर हमारा जो डेंटिन है वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन है और ऊपर का जो इनामिल है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ग्लास की तरह, तो अंदर का ब्राउन कलर हमें बाहर दिखता है और ऐसा लगता है कि हमारे दांत थोड़े से पीले हैं, ब्राउन है, व्हाइट नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर नेचुरल कलर है दांतों का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे दांत सफेद होने चाहिए, चमकते हुए होने चाहिए, जैसे टीवी एड्स में दिखाते हैं, कोलगेट एड्स में और व्हाइटनिंग क्रीम्स और ये सब में दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक होता है, वो सिर्फ अपना टूथपेस्ट बेचने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। नेचुरल कलर दांत का हमेशा येलोइश ब्राउनिश ही रहता है। कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो सेशन के बाद पूछ लें तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे कि हमारा फ्लो ब्रेक ना हो। अदरवाइज अगर कुछ ऐसा अर्जेंट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे ऊपर का हो गया हमारा इनामिल, उसके बाद आता है हमारा डेंटिन और लास्ट होता है हमारा पल्प। पल्प वो वाला एरिया होता है जहां पे हमारे सारे ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, वो सारी चीजें रहती हैं, और जो हमारा पेन होता है वो इसी पल्प की वजह से ही होता है। इसके बारे में डिटेल में अभी बताऊंगा मैं आगे। तो अगर हम देखें कि दांतों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, टूथ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये देखिए जो दांत अभी मैंने आपको बताया था, इनामिल, डेंटिन और पल्प वाला, अगर हमारे इनामिल एरिया में कैविटी रहती है, अगर हमारे ऊपर दांत के एकदम बस कैविटी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो वो इनामिल केरीज रहती है, वो कुछ ऐसी दिखती है, बहुत हल्का सा ब्लैक कलर का आपको दाग दिखेगा दांतों में, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आसपास वाले लोगों का भी। आप थोड़ा सा मुंह खोल के, चीक को थोड़ा सा साइड करके आप चेक कर सकते हैं। इस केस में बिल्कुल भी पेन नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको तभी पता चलता है जब आप डेंटिस्ट के पास किसी और दांत के लिए जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि इस दांत में तो कोई प्रॉब्लम है ही, साथ में आपके दूसरे दांतों में भी कीड़ा लगना, जो हम बोलते हैं कैविटी लगना, कीड़ा लगना, वो स्टार्ट हो। इसके बाद अगर वो उसका हम उसी टाइम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो फिर वो और बढ़ के अंदर की तरफ आ जाता है, सेकेंड लेयर में चला जाता है, डेंटिन में। इस लेयर में क्या होता है, वो दिखता ऐसा है, कैविटी का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है। इस लेयर में क्या होता है कि आपको सेंसिटिविटी होगी, ठंडा पानी पीने में, गर्म पानी पीने में, खाना खाने में, खाना उधर फंस जाएगा तो उधर पेन होगा, हल्का हल्का सेंसिटिविटी, और कभी कभी खाने के टाइम पे पेन, और जब आपका खाना खत्म हो जाएगा, खाना आप खा लेंगे, जब वहां से खाना निकल जाएगा तो वहां पे पेन होना भी खत्म हो जाएगा। इसे हम सेकेंड लेयर केरीज कहते हैं, डेंटिन केरीज। इस केस में भी अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया इसका, सबसे पहले तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसमें हम सीधा फिलिंग नहीं करते हैं, उसमें हम इसमें पहले नीचे एक दवाई डालते हैं जिससे कि वो ज्यादा और डीप ना जाए, उस दवाई के बाद हम उसके ऊपर फिलिंग करते हैं। अब इस स्टेज में आपका फिलिंग कराना थोड़ा सा आपको तकलीफ भी दे सकता है, शायद इंजेक्शन भी लगाना पड़े, कॉस्ट भी इसकी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू जो आपका फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट लेयर में जो कैविटी रहती है उसमें। इस स्टेज पे भी अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, इस स्टेज पे भी अगर आपने सोचा कि नहीं दांत में दर्द तो पूरे टाइम तो नहीं हो रहा, अभी कराने की क्या जरूरत है, तो उसके बाद फिर वो आपके थर्ड लेयर में चला जाता है पल्प में, जिसमें अब आपको प्रॉपर पेन होने लगेगा, पूरे दिन पूरी रात पेन होता रहेगा, और ये एक तरह से डेंटल इमरजेंसी होगी जिसमें आपको जल्दी में जाना पड़ेगा क्लिनिक पे इलाज कराने के लिए। ये देखने में तो आपका ऊपर से ज्यादा नहीं पता चलता, ऊपर से आपको सिर्फ कैविटी दिखेगी जो आपकी सेकेंड स्टेज में दिखती है एकदम वैसे ही, लेकिन इसमें एक्सरे करने पे आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन दिख सकता है। एक्सरे करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपका थर्ड लेयर तक चला गया है, अब इसमें रूट कैनाल ही करना पड़ेगा, अब इसमें फिलिंग से काम नहीं चलने वाला।
रूट कैनाल में हम क्या करते हैं, हम दांतों को ओपन करते हैं, अंदर से जो उनकी जड़ें होती हैं उनको हम ढूंढते हैं, उनको हम दवाई से क्लीन करते हैं, पूरा अच्छे से साफ करके जो नकली नसें होती हैं उसको हम भर देते हैं, एंड उसके बाद दांत को क्लोज करके ऊपर से कैप लगा देते हैं। इसका एक छोटा सा वीडियो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, इससे थोड़ा और बेटर आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, इसमें हम दांत को ऊपर से ओपन कर रहे हैं, अंदर की सारी जो जड़ें हैं वहां तक पहुंच रहे हैं। ये छोटी छोटी पिंस आती हैं हमारे पास डेंटल क्लिनिक में होती हैं, उनसे हम अंदर की जो नसें होती हैं उनको निकालते हैं, जो दवाइयाँ जितनी भी हमें दवाइयाँ डालनी होती हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए वो सारी डालते हैं, हम जड़ों को प्रॉपर शेप देते हैं, और उसके बाद हम नकली जड़ों को जिसे हम गट्टा पर्चा बोलते हैं उसे हम उसमें फिल करके दांत को सील कर देते हैं। ये करने के बाद दांत हमारा पूरी तरह से सील हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। अगर अगर आप नीचे वाले इन्फेक्शन को देखें जो दांत के नीचे है सफेद कलर का, एक बार जब भी सील हो जाता है तो वो अपने आप धीरे धीरे छोटा होके खत्म हो जाता है। ये देखिए, पहले जो इन्फेक्शन का साइज था उससे अब काफी छोटा हो गया। तो ये होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बहुत बार ऐसा होता है लोगों के थर्ड लेयर तक कैविटी चली गई होती है और लोग बोलते हैं कि इसकी अब फिलिंग कर दो। फिलिंग करना बहुत डेंजरस होता है। अगर कोई दांत है जिसमें आपको रूट कैनाल कराने की जरूरत है उसमें अगर आप फिलिंग कराते हैं तो इन्फेक्शन और ज्यादा होता है, रातों रात आपको पेन बहुत ज्यादा हो जाएगा और स्वेलिंग भी हो जाएगी। इसलिए कभी भी रूट कैनाल वाले दांत में फिलिंग नहीं करानी चाहिए, उसका सही इलाज रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जब हम नसों को साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, उसके बाद दांत काफी कमजोर हो जाता है क्योंकि हमने उसका जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, एक तरह से जो दांत की जो जान रहती है वो हमने पूरी तरह से निकाल दिया है, तो वो दांत काफी कमजोर हो जाता है। ऐसे केस में अगर हम दांत के ऊपर कैप नहीं लगाते हैं तो वो दांत कमजोर हो ही गया है और वो कुछ टाइम बाद 2-3 साल के बाद टूट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा है तो आप दांत को पहले ही निकलवा दीजिए, आपको रूट कैनाल कराने की भी जरूरत नहीं है अगर आप उसके ऊपर कैप लगाने का प्लान नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि कैप अगर नहीं लगाएंगे तो वैसे भी 2-3 साल के बाद टूट जाएगा, और उसके बाद आपने रूट कैनाल का तो खर्चा कर ही लिया है, उसके बाद आपको दांत निकलवाने का भी खर्चा देना पड़ेगा। तो वो सब अवॉइड करने से अच्छा है कि आप सीधा ही शुरू में ही दांत निकलवा लें। दांत निकालने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि कभी भी आपको अगर दांत में प्रॉब्लम है और आप रूट कैनाल करवा रहे हैं तो उसके बाद प्लीज कैप लगा लीजिएगा। कैप अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो दांत कुछ टाइम के बाद वैसे ही टूट जाएगा। इसके बाद एक और आते हैं जो आप आते हैं हमारे विजडम टूथ के प्रॉब्लम्स। विजडम टूथ इन द सेंस जो हमारी अकल दाढ़ होती है, जिसे हम बोलते हैं कि अकल दाढ़ है, जो 18 साल के बाद दांत निकलता है, उसमें काफी बार प्रॉब्लम आ जाती है। उसका रीजन ये रहता है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे 32 दांत होते हैं। बाय एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन के हिसाब से धीरे धीरे हमारा जो है वो जॉ साइज, जो जबड़े का साइज है, वो छोटा होता जा रहा है, और जो 32 दांत हमारे होते थे पहले, अब हमारे सिर्फ 28 दांत ही होते हैं, और जो लास्ट के 4 दांत होते हैं वो ज्यादातर फंसे हुए ही आते हैं, टेढ़े ही आते हैं मेजोरिटी केसेस में। बहुत रेयर ऐसा कोई होता है जिनके सारे दांत आ गए होते हैं और सारे दांत प्रॉपरली इरप्ट हो गए होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो दांत है, जो विजडम टूथ है, वो किस किस तरह से टेढ़ा आता है। कभी कभी पूरा ही टेढ़ा आता है, कभी कभी आधा टेढ़ा आता है, कभी कभी सीधा रहता है लेकिन वो हड्डी के अंदर ही फंसा हुआ रहता है, और कभी कभी उल्टी तरफ, जो हमारे जबड़े की जो हड्डी होती है, ये वाली जो हड्डी है, इसके अंदर की तरफ रहता है। और इसमें काफी बार क्या होता है कि आपके इन्फेक्शन हो जाता है और इसको निकलवाना पड़ जाता है। इस एक्सरे में आप देखिए, साइड में जितने भी दांत हैं सारे दांत रेड हुए हैं, रेड कलर किया हुआ है, इनको मार्क कर दिया है। ये आप देखिए, हर तरह से ये अंदर ही फंसे हुए हैं, बाहर नहीं आए हैं, और साइड वाले दांत को भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ऐसे केस में काफी बार ऐसा भी होता है कि जो साइड वाला दांत है, जो हमारी अकल दाढ़ है, वो साइड वाले दांत में उसको पुश करके उसके अंदर भी कैविटी क्रिएट करना शुरू कर देती है, और एक ऐसा टाइम आता है कि उसको भी निकालना पड़ता है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको कभी पेन हो रहा है पीछे वाले दांत में, तो आप वहां पे क्लिनिक जाके एक्सरे करवा लीजिए।
एक्सरे में आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि उसको दांत को निकलवाना है या नहीं निकलवाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें उसमें समझ आ जाएंगी आपको, और उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दांत से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे वो हो गए। अब इसके बाद जो आते हैं हमारे मसूड़ों के प्रॉब्लम्स आते हैं। दांत के और भी वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट इतने कम टाइम में बताना मुश्किल है। तो अगर आपको अपना कोई प्रॉब्लम है, अपना अगर आपको कुछ बात करनी है अपने दांत के बारे में, तो आप सेशन जब ये खत्म हो जाता है उसके बाद आप बात कर सकते हैं। हमारे मसूड़ों में काफी बार गंदगी जमा हो जाती है। ये अगर आप देखना चाहें तो आपके जो दांत और मसूड़े के बीच वाला जो एरिया है, जो इधर आपको फोटो में दिख रहा है, वहां आप देखिएगा, वहां पे अगर कुछ जमा हुआ है, वहां पे अगर कोई गंदगी जमा हुई है, तो इसका मतलब आपके गम्स में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। वहां पे आपका इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है और आपको क्लीनिंग करवाने की जरूरत है। अगर आप इस स्टेज में इसको छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो ये इन्फेक्शन है वो और बढ़ जाता है, और जो ये गंदगी है वो और बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो मैं इसके बाद आपको एक छोटा सा वीडियो है उसमें दिखाता हूँ। और जब गंदगी बढ़ जाती है तो इसमें ये सारा जो जो भी गंदगी जमा होती है वो और ज्यादा हार्ड हो जाती है, और वो ऐसे जम जाती है और आपके वो हड्डियों को भी अंदर से गलाने लग जाती है। हड्डियां कैसे गलती हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ एक वीडियो में। बाकी अब ये देखिए, मेजोरिटी लोगों के, ऑलमोस्ट 80-90% लोगों के, 98% लोगों के दांतों में ये जमा होता है। मेरे दांतों में भी है, सबके दांतों में रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम डिले कर सकते हैं, जिसे हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके लिए हमेशा हमें डेंटल क्लिनिक के डेंटिस्ट के पास जाना होता है, जो बोलते हैं कि हर 6 महीने पे अपने दांतों का चेकअप कराना चाहिए, एक डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, वो हम इसी की सफाई के लिए बोलते हैं। बट इसको कैसे अवॉइड करना है, दांतों को साफ कैसे रखना है, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा अलग अलग स्टेजेस हैं हमारे गम्स के, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मसूड़े के प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले पिक्चर में देखिए, दांत एकदम ठीक है, मसूड़े एकदम ठीक हैं, कोई गंदगी जमा नहीं है। सेकेंड वाले पिक्चर में आप देखिए, थोड़ा सा उधर गंदगी जमा हो रही है दांत के ऊपर, ग्रीन कलर का, येलोविश कलर का, और मसूड़े जैसे पिंक थे स्टार्टिंग में पहली वाले पिक्चर में, अब थोड़े से रेडिश हो रहे हैं, अब थोड़े से वहां पे स्वेलिंग आ रही है। इसको भी अगर आप छोड़ देते हैं, आप अगर इसका भी इलाज नहीं कराते हैं, तो वो जो गंदगी है वो अंदर की तरफ बढ़ती रहती है, दांतों के जड़ की तरफ बढ़ती रहती है, अंदर से हड्डी भी गलाती रहती है, मसूड़े भी गलाती रहती है। और इसको अगर आप और छोड़ देते हैं तो ये एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि हड्डी इतनी गल जाती है कि दांत उस जगह पे रहना मुश्किल हो जाता है। जितने भी आप लोग देखेंगे 40-50 साल की उम्र में, जिनके हड्डी गली हुई है, जिनके दांतों में प्रॉब्लम है, जिनके दांत निकल गए हैं, वो इसी वजह से हैं। इसी को हम हिंदी में पायरिया भी बोलते हैं। पायरिया का जो पायरिया की बीमारी होती है वो हमारे मसूड़ों की ही बीमारी होती है। ये एक वीडियो है जिसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि जो गंदगी होती है वो कैसे जमती है और कैसे अंदर की तरफ बढ़ती है। ये देखिए, यही पीलापन मैंने दिखाया था आपको दांतों में, मसूड़ों और दांतों के बीच में, ये अंदर की तरफ बढ़ता रहता है और अंदर की तरफ हड्डी भी गलाता है और मसूड़े भी गलाता है। और अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हैं सही टाइम पे, तो हड्डी इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी गल जाती है कि दांत अपने आप ही बाहर आ जाता है। इसमें आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, दर्द होगा एकदम लास्ट स्टेज पे, जब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि अब आगे क्या करना है, अब क्या करें इसका, तब जाके आपको पेन होगा, और उस टाइम हमारा हमारे लिए दांत बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, इसी को कैलकुलस बोलते हैं। अगर आप देखें कि दांत में कितनी बुरी तरह से ये दांत में जमा हुआ है, हड्डी पूरी तरह गल चुकी है, और काफी हद तक और काफी हद तक यहाँ पे जो दांत है वो सिर्फ गंदगी की वजह से ही जमा हुआ है, नहीं तो अभी तक दांत निकल गया होता। ये देखिए, इस पिक्चर में जब तक इन्होंने सफाई कराई थी तब तक इनकी दांत की हड्डी गल चुकी थी। इसी एरिया में गली थी क्योंकि इसी एरिया में ज्यादा गंदगी थी,
तो ये देख के आप समझ सकते हैं, आपने आसपास लोगों को देखा होगा किसी को अगर सेम प्रॉब्लम है तो। इसी वजह से होता है, ये पायरिया की ही बीमारी है, जो जब दांतों में लग जाती है तो हड्डी पूरी तरह से गल जाती है और दांत वहां पे पूरा हिलने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो दांत निकल जाता है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, आपको डेंटल क्लिनिक के में जाके, डेंटिस्ट के पास जाके वहां पे दांतों की सफाई करानी जरूरी है। हमारे पास एक अलग से मशीन आती है जो हम मसूड़े के अंदर से गंदगी को पूरा साफ कर देते हैं, और ये देखिए पहले जितनी भी गंदगी हो बाद में पूरा साफ हो जाता है। ये साफ करने के बाद हम कुछ आपको दवाइयां देते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं थोड़े दिन के लिए। उसके बाद आपके मसूड़े भी वापस आ जाते हैं और आपकी हड्डी भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा लोगों के मन में मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ा ये मिथ है कि ये सफाई कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सिर्फ तभी होता है क्योंकि आपके जो गंदगी है उसने आपके दांत को पकड़ के रखा हुआ है बहुत टाइम से। अगर हम अचानक उसको निकाल दें, मान लीजिए अगर गंदगी हमने 5 साल के बाद निकाली है, तो उस टाइम जो अंदर का मसूड़ा होता है वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। सिर्फ उसी रीजन से वहां पे आपको थोड़े दिन के लिए ऐसा लगता है कि दांत थोड़ा ढीला हो गया है, दांत में ठंडा गर्म ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत आप साफ कराने के बाद हफ्ते भर के बाद अगर आप वापस देखें तो उसमें सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके वो सफाई कराने से दांत खराब हो जाते हैं। और कोई भी अगर बोलता है ऐसा तो आप प्लीज उसकी मुझसे बात करा दीजिएगा। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो बोलते हैं कि मुझे किसी डॉक्टर ने या किसी ने बोला है कि दांत साफ कराने से दांत खराब हो जाते हैं, तो मैं बस सुनने में ही आया है, मुझे आज तक किसी ने मुझे डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है। कोई अगर ऐसा मिले तो आप प्लीज मेरी बात करा दीजिएगा। मैं बहुत सालों से ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे बोले कि मुझे पता है क्यों होता है और वो मुझे बताए कि उसका क्या लॉजिक है। इसका मैंने जो इस स्लाइड का जो मैंने हेडिंग दिया है वो मैंने डेंटल इंश्योरेंस दिया है। इसका मैंने डेंटल हेल्थ केयर टिप्स नहीं दिया है, उसका रीजन सिर्फ यही है कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आपको दांतों में कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आपको दांतों की कोई बीमारी नहीं लगेगी, और एक तरह से ये आपके दांतों का डेंटल इंश्योरेंस हो जाएगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दांतों का इंश्योरेंस क्यों नहीं होता, हमारा फुल बॉडी इंश्योरेंस होता है, कवरेज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि डेंटल इंश्योरेंस में अगर आप ध्यान रखें अपने दांतों का, अगर आप अच्छे से ब्रश करते हैं, अगर आप अच्छे से क्लीन करते हैं, तो आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे और आपको कभी भी डेंटल में कभी इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको लगे कि आपको दांतों में या किसी चीज में आपको मसूड़े में इंश्योरेंस की जरूरत है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इस पिक्चर में आप देखिए, ज्यादातर हम लोग जब ब्रश करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, कभी भी हम ब्रशिंग जो करते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करते। अगर आप इस पिक्चर को देखें, इस कंघी को देखें, इस कोम को देखें, समझ लीजिए कि यही दांत है। अब आप समझिए कि आपको ब्रश लेके इस कोम को साफ करना है, तो आप इस कोम को साइड में ऐसे करेंगे साफ या ऊपर से नीचे साफ करेंगे? जाहिर सी बात है इसमें ऊपर से नीचे ही साफ करेंगे, क्योंकि गंदगी जो है वो हमारे ऊपर से नीचे ही लेके आके बाहर निकालनी है, ऐसे रगड़ने से ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए आप अगर इस फोटो को और अच्छे से देखें, ब्रश को हमें ऊपर से मसूड़ों से लेके नीचे तक लेके आना है और वहां से उसको साफ करना है, यही सही तरीका है ब्रश करने का। अगर आप इससे इस तरीके से ब्रश करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दांतों में कभी कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको चेकअप तो ऑब्वियसली कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रश करते हैं, अच्छे पेस्ट यूज करते हैं, तो आपको दांतों में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टीवी एड्स में, मार्केटिंग में जितने भी आपके पेस्ट और ब्रश वाले हैं वो ऐसे ही बात करते हैं कि आप हमारा वाला ब्रश ब्रश यूज करो, आप हमारा वाला पेस्ट यूज करो, आपको दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके दांतों में जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, मसूड़ों से जो खून आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। वो सब बिल्कुल गलत है, उसको आप बिल्कुल फॉलो मत करिए। वो सिर्फ टीवी एक्टर्स होते हैं जो आपको डेंटिस्ट बन के वहां पे एड में एक्ट कर रहे होते हैं, वो रियल डेंटिस्ट नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप दिन में एक बार या दो बार अच्छे से ब्रश करेंगे तो आपको दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दांत साफ करना सिर्फ वैसा ही है जैसे हम रोज नहाते हैं, हम साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, हम अपने आप को अच्छे से क्लीन करते हैं,
ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे हम साफ रहेंगे, ब्रश करें, नहाएंगे, अच्छा सोप यूज करेंगे, रेगुलर रोज नहाएंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हमें बीमारियां कम होंगी। सिर्फ उसी तरह अगर हम ब्रश अच्छे से करेंगे तो हमारे दांतों की बीमारियां कम होंगी, खत्म बिल्कुल नहीं होंगी। खत्म होने के लिए आपको क्लिनिक जाना पड़ेगा, एक बार चेकअप कराना पड़ेगा हर 6 महीने पर, हर साल भर पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आपका क्लीन नहीं हो पाता है। जो भी हम ब्रश करते हैं, आप कितना भी अच्छे से ब्रश करें, वो सिर्फ 40% दांतों को ही क्लीन कर पाता है, उससे ज्यादा दांतों को वो क्लीन नहीं कर पाता है। अगर आपको प्रॉपरली ब्रश करना है, अगर आपको प्रॉपरली दांतों को साफ करना है, तो आपको माउथ वॉश यूज करना जरूरी है। माउथ वॉश बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, माउथ वॉश ही एक ऐसी चीज है जो आप अच्छे से अगर आप मुंह में लेके क्लीन करते हैं तो ये दांतों के बीच में, मसूड़ों के अंदर, पीछे, जहां जिस एरियाज में आपके ब्रश नहीं जा पाते हैं, टीवी में बोलते हैं वो लोग कि ब्रश हर जगह जाता है, जहां पे दूसरे ब्रश नहीं जाते हैं वहां हमारा ब्रश जाता है, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको माउथ वॉश यूज करना जरूरी है। अगर आप इसको यूज करते हैं रेगुलरली, आपको रोज करने की जरूरत नहीं है, वीक में एक या दो बार भी आप करते हैं तो भी चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आप इसको रेगुलरली ब्रश के साथ यूज करिए, अगर आप इसको ब्रश के साथ यूज नहीं करेंगे तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हो गया ब्रश, ब्रशिंग का टेक्निक बहुत जरूरी है, उसके बाद आपका आता है ये माउथ वॉश। माउथ वॉश में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी माउथ वॉश है वो अपना काम करेगा ही। इसके बाद जो सबसे जरूरी है वो है वॉर्म सलाइन रिंसेस। इसमें आपको क्या करना है, पानी को हल्का गर्म करना है, उसमें नमक डालना है और उसे कुल्ले करने हैं। कुल्ला करना है, गरारे बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि गरारे गले के लिए होते हैं, कुल्ला हमारे मुंह के लिए होता है। ये अगर आप करेंगे तो आपके मसूड़े के 90% प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, आपका जो प्लाक जमता है, आपका जो कैलकुलस जमता है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। जो अगर किसी के 6 महीने में जमता है, वो करीब 2 या 3 साल में जमेगा, वो इतनी जल्दी नहीं जमेगा। डेंटिस्ट के पास आपको फिर भी जाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आप ठीक से ना कर रहे हो, हो सकता है आप रेगुलरली ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली कर रहे हैं तो डेंटिस्ट के पास जाने के बाद भी आपको वहां पे कुछ नहीं कराना पड़ेगा, वो सिर्फ आपका चेकअप करेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड उसके बाद आपको वो वापस भेज देंगे। ये करना है आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार, अगर आप एक बार भी करते हैं दिन में तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको तो 2 से 3 बार करिए। बहुत सारे लोग मुझे ऑयल पुलिंग के बारे में पूछते हैं, आयुर्वेद में जो ऑयल पुलिंग होता है, ऑयल पुलिंग में क्या करते हैं कि हम तेल को मुंह में रख के उसको 15-20 मिनट तक अच्छे से पूरा कुल्ला करते हैं, उसके बाद उसको थूक देते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उससे कोई असर नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारे नेचुरोपैथी के भी पेशेंट्स आते हैं, मैंने उनके दांतों का चेकअप किया है, रेगुलरली करता रहता हूँ, वो रेगुलरली ऑयल पुलिंग करते हैं और उनके मसूड़ों में उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं जितनी किसी बिना ऑयल पुलिंग वाले बंदे, बिना ऑयल पुलिंग वाले आदमी या औरत में होते हैं। तो ऑयल पुलिंग से ज्यादा यूजफुल आपका माउथ वॉश है, ऑयल पुलिंग से आपका ज्यादा यूजफुल आपका पानी को हल्का गर्म करके नमक डाल के उसमें कुल्ला करने वाली आदत है। ऑयल पुलिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप करिए, बट ऑनेस्टली वो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए है, उससे आपका कोई इलाज, प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है। उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट और आरामदायक है आपका पानी को गर्म करके नमक डाल के उसमें कुल्ला करना। टंग क्लीनर भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा ब्रश और पेस्ट जरूरी है, बिकॉज काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके मुंह से बदबू आती है काफी, कभी कभी उनको खुद भी फील होता है, कभी कभी कोई साथ में रहने वाला उनको बोलता है ऐसा। लेकिन इन सब का जो सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है, एक तो आपके दांतों में जो गंदगी जमा होती है वो तो है ही, उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम होती है, स्मेल आती है, लेकिन सबसे जो ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है स्मेल आने की, जो सोल्यूशन है वो है आपका टंग क्लीनिंग। अगर आप जीभ को रेगुलरली रोज क्लीन करते हैं ब्रश के साथ में, अगर आपकी हैबिट है टंग को क्लीन करने की, तो आपके मुंह से कभी बदबू नहीं आएगी, अनलेस एंड अनटिल आपके पेट खराब है या आपके बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बॉडी की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास अलग से जाके उसका अलग से इलाज कराना है, वो ठीक हो जाएगा तो आपके मुंह के स्मेल की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए ब्रश ठीक से करिए, माउथ वॉश यूज करिए, आप अपना टंग को अच्छे से क्लीन करिए और आपको दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था,
मेरा वाला पार्ट खत्म हो गया है, दांत के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट कभी मैं कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके किसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, बट जनरल आज मैंने एक आइडिया दे दिया है कि दांतों का ख्याल कैसे रखना है, दांतों में मेनली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, मेरा अभी का प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है, अब मैं एक बार चैट सेक्शन देख लेता हूँ। अगर आपको, आप में से किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सर इतने अच्छे सेशन के लिए। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज चैट में लिखे या फिर अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैम मुझे पूछना है। हेलो हेलो जी मैम बताइए। या गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर मैं डेंटिस्ट के पास एक बार मेरा दांत दुख रहा था तो मैं गई थी, तो उन्होंने कहा क्या डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन कुछ लिख कर लाना। फिर मैं घर पे आई और मैंने नीलगिरी का तेल डाल के बैठी, उसके बाद दर्द हुआ नहीं। लेकिन ये जरूरी है क्या कैंसर लोगों के लिए? कैंसर का क्या बताया मैम आपने, फिर से बताइए एक बार। मुझे गायनक का कैंसर है। हाँ, अच्छा हाँ, समझ गया। तो वो डॉक्टर, वो लेडीज ने कहा था डॉक्टर की आपको आपके डॉक्टर के पास से लिख कर लाना पड़ेगा अच्छा कि इनका ट्रीटमेंट करना है कि नहीं, अच्छा तो ये जरूरी है। मैम देखिए होता क्या है ना, आपको अगर दांत में दर्द हो रहा है, तो जैसे मैंने बताया था कि थर्ड लेयर में आपका जा चुका है इन्फेक्शन। अब इसमें काफी बार क्या होता है कि जो डेंटल सर्जन होता है, वो काफी बार अगर कोई और मेडिकल प्रॉब्लम होती है साथ में, आपका कोई कैंसर रिलेटेड हो गया या कोई और बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, फीवर है या कुछ है, तो ज्यादातर डेंटिस्ट क्या बोलते हैं कि आपके अगर कोई अपने ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनसे आप एक कंसेंट लिखवा के ले आइए कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जैसे आपका दांत का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको 4 दिन के बाद फीवर स्टार्ट हो गया। होता कुछ नहीं है ऐसा, होता ही है कि दांत में हमारे जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हमारा मुंह से रिलेटेड ही होता है, कुछ भी हमारा उसमें बॉडी में रिलेटेड नहीं होता है। बट कभी कभी हमें ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जो, अब जैसे आपने अगर कोई टैबलेट ली है, तो उसका असर आपकी पूरी बॉडी पे रहता है, आपका जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी एरिया में रहेगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से एक कंसेंट या रिटन, एक एटलीस्ट एक इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये सब हम उनको दवाइयां देने वाले हैं, एंटीबायोटिक देने वाले हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको उसमें कोई प्रिकॉशन है कि ये दवाई नहीं देनी है या दूसरी दवाई देनी है, उसके लिए बस एक कंफर्मेशन के लिए आप लेते हैं वो। अदरवाइज ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप चाहें तो वो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। अगर वो रूट कनाल कर रहे हैं, तो उसका वैसे भी सिर्फ उसी एरिया से लेना देना है, बॉडी के किसी और पार्ट से लेना देना नहीं है। तो अगर आपका, अनलेस कोई आपका रेडियोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, तब तक आप आराम से रूट कनाल ट्रीटमेंट या फिलिंग या कुछ भी ऐसा करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। और जो आपने वो बताया था तेल, आपने जो कॉटन में लेके लगा लिया था, उससे आराम आने का रीजन ये होता है कि जो उसके अंदर यूजेनॉल होता है, वो हमारा एक तरह से जो अंदर का पल्प होता है, उसको थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देता है, तो उससे आपका यस सर। पेन खत्म हो जाता है। तो उससे आपका टेम्पररी रिलीफ ही आया है, आप जल्दी से जल्दी फिर भी जाके उसका इलाज करा दीजिए। क्योंकि अगर आप छोड़ देते हैं तो अंदर, आप जैसे मैंने दिखाया था पिक्चर में, ये जो नीचे सेकेंड वाली पिक्चर है, ये इनका ऐसे ही हुआ था, पेन का इनको रिलीफ आ गया था, दवाई मैंने इनको दी थी, उसके 3 महीने के बाद इतना इनको इन्फेक्शन आ गया कि अब कम से कम 3 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं बार बार उनके दांतों में दवाई डालता हूँ, दवाई डाल के छोड़ देता हूँ 1 महीने तक, तब भी इनका जो इन्फेक्शन है वो कम नहीं हुआ है अभी तक। तो इसलिए आप ट्रीटमेंट जरूर करा लीजिएगा, उसको आप डिले मत कराइएगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। डॉक्टर झा साहब एक क्वेश्चन है। थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर एनलाइटनिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे थैंक यू एग्जांपल सर, दिए डॉक्टर झा साहब आपने, तो थैंक यू सर, ये बहुत बढ़िया सेशन था। एक क्वेश्चन थैंक यू पूछना थैंक था यू सर। कि कभी रात को, कभी मान लीजिए या संडे को जैसे क्लिनिक बंद होता है,
तो SOS दांतों में दर्द होता है, तो SOS के लिए जीरोडॉल 80 या किस टाइप की टैबलेट कौन सा आप रिकमेंड करते हैं? रात को सडनली इमरजेंसी में हो गया कोई दवाई, दर्द हो गया, तो कौन सा दवा ऐसे घर पे रखना चाहिए कि थोड़ा सा SOS में रख सकते हैं हम लोग? सर, दवाइयों का ऐसा होता है कि कोई एक स्पेसिफिक ऐसी दवाई नहीं है कि ये टैबलेट है इससे आपको ठीक हो ही जाएगा, सबका हाँ अलग अलग रहता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी आपके पास पेन किलर है, अब देखिए सबने लाइफ में कभी ना कभी तो पेन किलर लिया ही होता है, तो जो भी हाँ पेन किलर आपको इफेक्टिव लगता है, जिससे आपको लगता है कि आपके दांतों का प्रॉब्लम ठीक होता है या जनरल आपका पेन कुछ होता है तो खत्म हो जाता है, आप कोई हाँ भी पेन किलर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ ये ऐसा भी है कि लोग बोलते हैं कि पेन किलर या कोई भी एंटीबायोटिक या दवाई के उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत, वो होते हैं नो डाउट, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो साइड इफेक्ट से ज्यादा जरूरी है आपका पेन रिलीफ होता है। तो ऐसे केस में कभी अगर आपको एक से ज्यादा दवाई लेनी पड़े, दो दवाइयां तीन दवाइयां भी लेनी पड़े, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप हफ्ते भर तक महीने भर तक दिन में तीन चार पेन किलर ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है, उस केस में आपको फिर बंद कर देना चाहिए, आपको क्लिनिक ही जाना चाहिए। लेकिन एक दिन अगर कभी क्लिनिक बंद है ऐसा कुछ है, या आप सपोज अगर आपका कोई ऑफिस में मीटिंग है या कहीं आपको काम से जाना है, कोई फंक्शन है और आप क्लिनिक नहीं जा सकते, तो कोई भी पेन किलर जिसमें आपको आराम आ जाता है वो आप ले सकते हैं। जीरोडॉल एसपी है, आपका कॉम्बी फ्लैम है, डोलो 650 है, कीटोरॉल डीटी है, अल्ट्रासेट है, बहुत सारे पेन किलर्स हैं, वो आप कोई भी ले सकते हैं, उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ तो सब में ही आ जाएगा। हाँ, जीरोडॉल एसपी अपने पास है, कीटोडॉल भी आपने हाँ अच्छा हाँ बताया, कीटोडॉल एसपी भी ठीक है वैसे तो वो भी। तो उसमें आराम तो किसी में भी आ जाता है, बट वही है कि पेन हमें बॉडी में हमेशा तभी पेन होता है जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो जब तक हाँ आप इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आपका पेन खत्म नहीं होगा। काफी लोग बोलते हैं कि हाँ मैं तो 4 दिन से दवाइयां ले रहा हूं, मेरा दर्द ही खत्म नहीं हो रहा, तो क्योंकि आप हाँ दर्द की दवाई ले रहे हैं, आप इन्फेक्शन की दवाई नहीं ले रहे। हाँ सिम्टम्स का इन्फेक्शन ले की रहे हैं दवाई लेकिन लेंगे तो रूट आपका कॉज, इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा और दर्द भी कम हो जाएगा। दर्द भी कम हो जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली मैंने ना एक्चुअली मटन लिया था, तो मेरे ऊपर वाले जबड़े के राइट हैंड में ना कैप लगा हुआ है, तो कैप में पेन शुरू हो अच्छा गया था, तो वो अच्छा मुझे अच्छा लगता है कैप के अंदर ही, या तो कैप निकाल के एक्सट्रैक्ट करके या दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा या रूट कैनाल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लगता है मेरे को जरूरी उसमें। नहीं है सर, आपका उसमें रूट कैनाल हुआ था क्या जब कैप लगी थी हाँ कि हाँ सिर्फ कैप ही हाँ लगी हाँ थी? हाँ हाँ रूट अच्छा कैनाल हुआ था, उसके बाद RCT के बाद ही मेरे को हाँ, कैप लगा था। तो उसमें चांसेस कम है, हो जाता है कभी 5-10% केसेस में हो जाता है कि रूट कैनाल करने के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है, बट जितना मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कैप के नीचे अगर मटन खाने में या कुछ खाने में पेन हो रहा है तो ज्यादातर वो गम्स की प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि अच्छा वहां पे खाना फंसने की वजह से, कैप की वजह से थोड़ी सी स्पेस बन गई, थोड़ा सा आपका हाँ वहां खाना फंसना शुरू हो गया, उस हाँ वजह हाँ से हाँ गम्स थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, गम्स में थोड़ा सा हाँ इन्फेक्शन आ जाता है, अब हाँ फिर जब भी वही हुआ खाना होगा, वहां पे फंसता है तो आपको गम्स में पेन होता है पेन क्योंकि होता है, रूट एग्जैक्टली कैनाल के वही बाद। हुआ है। जी 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 तो वही मोस्ट हुआ है। लाइकली एक बार आप वहां की सफाई करा लेंगे और वो जो स्पेस है उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लेंगे तो हाँ अब हाँ हाँ उसके बाद हो जाएगा। आई डोंट थिंक उसमें रूट कैनाल फिर से करने की या कैप निकलवाने की या दांत निकलवाने की जरूरत हाँ मुझे लग रहा खाना फंस रहा है बार बार, मैं वो कर रहा हूँ, है। फ्लश कर रहा हूँ उसको, फ्लश करने के लिए आप ठीक। वो एक ले लीजिए, इंटरडेंटल ब्रश आता है, आप एक हाँ बार डीजी स्वास्थ्य टीम से कनेक्ट करके मुझसे एक बार कंसल्टेशन ले लीजिएगा। थैंक यू। एक वो आता है इंटरडेंटल ब्रश होता है, उसका काम ही होता है कि दो दांतों के बीच में जाके वो क्लीन करता है, तो उससे ठीक है, आपको थैंक यू काफी सो मच। आराम आ जाएगा, उससे आपका जो खाना फंस रहा है वो आपका फंसना बंद हो जाएगा। टूथपिक आप थैंक यू बिल्कुल सो यूज मच, मत करिएगा, टूथपिक से ठीक है, आपके थैंक गम यू, ज्यादा डैमेज होंगे, खाना वो जितना निकालेगा उससे ज्यादा आपके वो गम्स को डैमेज करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू, थैंक्स, मोस्ट थैंक यू, वेलकम थैंक सर। यू। सर एक मेरा सवाल था। हेलो, जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे कभी भी दांतों में दर्द नहीं हुआ, लेकिन दांतों का जो नीचे का हिस्सा होता है जो अपने मसूड़ों के लगा हुआ है, उसमें क्या है कि थोड़ा वो कलर चेंज हो रहा है नीचे, ऊपर से दांत ठीक है बिल्कुल, नीचे से मतलब एक तो ये है कि मैं थोड़ा गुटखा खाता हूँ, अच्छा ब्रश तो मैं रोजाना ही करता हूँ, तो जैसे मैं सफाई मैंने आज तक नहीं करा ये कभी डॉक्टर के पास में जाकर, समझ गया। तो क्या सफाई करा लें क्या उनकी? सर सफाई तो आप कराइए ही, बट मेरे हिसाब से एक बार आप चेकअप जरूर करा लीजिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप गुटखा खाते हैं, होता क्या है कि गुटखा जो लोग ज्यादा खाते हैं ना, उनके जो वहां पे जो मसूड़ा, जिस जगह पे भी आप नोटिस करिएगा, जहां भी आप गुटखा रखते हैं हमेशा वहां पे आपका छाला बनना शुरू हो जाता है, और वो छाला धीरे धीरे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन छाला धीरे धीरे कैंसर भी बन सकता है। तो ज्यादातर जब लोग गुटके वाले, गुटखा खाने वाले पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनका फिर मैं दांत देखना छोड़ देता हूँ, पहले मैं मसूड़े की अच्छे से जांच करता हूँ कि कहीं वो छाला ना पड़ गया हो वहां पे, क्योंकि वो आपके फिर दांत से ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो गुटके का आप गुटके की वजह से एक बार आप चेक करवा लीजिएगा, हो सकता है आपका उधर छाला पड़ना शुरू हो गया होगा,
और ऐसा अगर है तो गुटखा तो खैर छोड़ना ही है सबसे ज्यादा, उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप खाते रहिए, लेकिन अभी के लिए आप इतना करिए कि जिस जगह पे आप गुटखा रखते हैं कम से कम उस जगह पे रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि उधर ही आपका गाल गला है, उधर ही आपका छाला पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप गुटखा डालेंगे वहां पे उतना ज्यादा वो वाला एरिया डैमेज होगा, उतना ज्यादा छाला पड़ेगा। तो कम से कम आप वो जगह तो चेंज कर ही दीजिए, और एक बार आप चेकअप जरूर करा लीजिए, या अगर आप चाहें तो आप मुझे फोटो एक बार भेज सकते हैं, फोटो देख के मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको सफाई तो करानी ही है, आपके मसूड़े में क्या प्रॉब्लम है, आपके छाले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आपके मतलब उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत है कि। और अगर आप गुटखा छोड़ना भी चाहते हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, ओके सर। मैंने ये पूछ रहा था कि छाला वगैरह तो ऐसा नहीं है, मैं इतना गुटखा खाता भी नहीं हूँ कि मैं दिन में कोई एक दो गुटखा खा लेता हूँ कभी कभार, जब मंडली में बैठ जाता हूँ तो वो लोग खाते रहते हैं, मैं भी ले लेता हूँ उनसे। बाकी जो दांत बाकी तो क्लीन है, बिल्कुल व्हाइट है, बस नीचे का जो भाग है वो आगे के दांतों में भी वो समस्या है, मतलब जो मेन दांत है आगे से जो है, आगे वो नीचे से थोड़े से मतलब अपना कलर उन्होंने चेंज कर दिया है। आप ये फोटो एक बार मुझे देख के बताइए, ऐसे तो नहीं दिखते हैं, ऐसे तो नहीं दिख रहे हैं नीचे वाली जो फोटो है इसमें। इतने ज्यादा नहीं है सर। अच्छा, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे ही हैं। हाँ, अच्छा, सफाई तो आपको करानी ही होगी, उसमें तो मतलब मैं कोई डाउट नहीं बोल रहा हूँ, एक बार आप जाके सफाई जरूर करा लीजिए, लेकिन वही कभी कभी देखना पड़ता है, जैसे जो ऊपर वाली फोटो है उसमें गंदगी इतनी जमा है, हड्डी इतनी गल गई है, कि अगर इसमें हम सफाई भी करेंगे अभी तो भी मतलब दांत ज्यादा हिलने लगेगा। तो इनको तो अच्छा मैंने यही बोला कि आप जब तक दांत निकलवाने का के लिए रेडी ना हो तब तक आप सफाई मत कराइए, क्योंकि आपके सफाई करते ही दांत बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हड्डी पूरी तरह गिर चुकी है। तो वो आप एक बार चेकअप करा लीजिएगा कि आपका सफाई करने के बाद ऐसा ना हो कि जो दांत अभी हैं वो भी आपके निकलने की हालत में आ जाए। तो चेकअप ये तो आप करा सफाई ही है जो लीजिए। मतलब डेंटल से नहीं, ये डेंटल से कराएं या जैसे कुछ ऐसे प्राइवेट डॉक्टर होते हैं जिन्होंने डेंटल की दुकान कर रखी, उनसे कराएं डेंटल, कोई या भी जो बीडीएस से डेंटल कराएं? सर्जन है, कोई भी जो जिसने बीडीएस एमडीएस की हुई है, जो भी दांतों का इलाज करते हैं प्रॉपर जो करते हैं, झोला छाप डॉक्टर नहीं, जो प्रॉपर डिग्री वाले डॉक्टर हैं, उसमें आप किसी के पास भी चले चले जाइए, ये बहुत कॉमन चीज है। आपका समझ लीजिए कि मतलब इसके बिना, सफाई के बिना, सफाई की मशीन के बिना, स्केलिंग जो होती है उसकी मशीन के बिना कोई क्लिनिक खोल ही नहीं सकता, तो वो सबके पास ही होगी, वो सफाई आपकी किसी भी क्लिनिक में हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्ते। जी सर, नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं तो कुछ खाता पीता तो हूं नहीं, है ना, लेकिन पता नहीं मेरे दांतों की जड़ें निकली हुई है ना थोड़ा सा। और क्या है कि मेरा एक दांत है ना, वो ऊपर की तरफ वो काला पड़ गया, अच्छा, और काला पड़ने के बाद एक दांत अपना आप ही ऑटोमेटिक उपड़ भी गया, उसमें दर्द वर्द कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अपना आप ही खत्म हो गया वो दांत। तो उसमें क्या है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे लिए कोई दवाई ऐसी हो जिससे कि मेरे एक तो दांतों की जड़ सही हो जाए, और मैंने अभी हाल ही में सफाई भी करवाई दांतों की, है ना, उन्होंने वो थोड़ा थोड़ा से काले काले से थे, वो ये बोल रहा था कि कैविटी है भैया आपके, है ना, हल्की हल्की सी, तो उन्होंने उनको साफ भी कर दिया, लेकिन मेरे को ठंडा गर्म भी लगता है सर, अच्छा, और ठंडा गर्म लगता है, और जैसे वैसे चीज खाता हूं ना तो थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। हाँ, ये जो आपने अभी दिखाई थी ना ये स्लाइड, हाँ ये वाला। हाँ ये वाला, ये ऐसा, ये तो है ऊपर की वाला तरफ है दांत, और हल्की हल्की कैविटी लग रही है, और ये दांत अभी भी ऑलरेडी है ना, मैंने साफ सफाई करवाई, जब भी मैं इसी दांत की वजह से सफाई करवाने के लिए गया था उनसे, तो भाई मेरे इस दांत को देखो, इसकी वजह से मेरा एक दांत और जा चुका है, तो उन्होंने तो ये सफाई तो कर दी, लेकिन इसका इलाज नहीं बताया कुछ भी, भाई ये तो अपना आप ही सही होएगा होएगा, नहीं तो दांत खत्म है लोगे। वो सर हो सकता है सफाई, देखिए सफाई जो होती है ना वो हमारे मसूड़ों के ऊपर जो गंदगी होती है उसके लिए रहती है, जो दांतों पे जो ये कालापन पड़ा हुआ है इसमें आपको ड्रिल करके इसमें फिलिंग करानी पड़ेगी, उसके अलावा। और वो देखना पड़ेगा कि दांत में जैसे कैविटी है वो कितनी ज्यादा तक है, कितनी अंदर तक है, अगर वो आपके हड्डी के लेवल पे पहुंच गया होता है तो फिर उस केस में सफाई करना मुश्किल रहता है, तब फिर वो दांत निकालना ही पड़ता है। इसलिए आप एक बार मुझे फोटो भेज दीजिएगा, मतलब फोटो देख के मुझे काफी हद तक आइडिया लग जाएगा, अभी तो मैं बस जनरल ही आपको बता पाऊंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता,
बट एक बार आप मुझे दांतों की अपने फोटो भेज दीजिएगा तो मैं थोड़ा बेटर आपको बता पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर। तो फोटो सर कहाँ से भेजना पड़ेगा आपको, पर्सनल भेजना पड़ेगा या? आप एक बार बात कर लीजिएगा, आप नंबर ले लीजिएगा मेरा डीजी स्वास्थ्य की टीम से नंबर, या इनके पास टेली कंसल्टेशन का रहता है ऑप्शन, उसमें आराम से वीडियो कॉल पे या मतलब उस पे कॉल पे बात करके आपका चेक करके आपको बता देंगे। मेन वही है कि आपके दांत देखे बिना, आप जैसे दांत का भी मैंने आपको बताया कैविटी भी अलग अलग स्टेजेस के होते हैं, जब तक मैं आपका दांत ना देखूं तब तक मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं पाऊंगा कि आपके दांत में प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी तो मैं आपको सही इलाज नहीं बता पाऊंगा कि मुझे लगे कि ये तो फिलिंग से हो जाएगा, वो शायद रूट कैनाल में जाना होगा, या मैं बोलूँ कि रूट कैनाल होगा वो दांत निकलवाना पड़ेगा, वो सारी चीजें बहुत कुछ है। एक बार आप मुझे फोटो भेज देंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है सर जी। हम अपना सेशन यहीं पे कंक्लूड करना चाहेंगे, बाकी क्वेश्चन आप हमारे प्रोग्राम के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर अंकित झा से। सर थैंक यू फॉर अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड प्रेजेंटेशन। आपने वीडियोस के जरिए, फोटोज के जरिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों तक दिखाई। अधिकतर हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे दांत में क्या प्रॉब्लम है, या अगर पेन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। हमें वीडियोस के जरिए काफी इंफॉर्मेशन मिली कि अच्छा ऐसा दिखता है तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू फॉर दैट सर। आपने सबका, सबके क्वेश्चन, सबके क्वेरीज भी बहुत अच्छे से सॉल्व किए। तो अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है प्लीज आप डॉक्टर अंकित से कनेक्ट कर सकते हैं हमारे जरिए। हम आपको उनका नंबर या कोई कंसल्टेशन अगर चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। सर थैंक यू फॉर अपना वेबसाइट का वो जो लिंक है कंसल्टेशन वाला, आप वो उनको शेयर कर दीजिएगा। तो आई थिंक दो तीन लोग हैं जो आई थिंक मैं उनका दांत देखूंगा तो मैं थोड़ा बेटर बता पाऊंगा, तो आप उनसे एक बार उनको एक बार शेयर कर दीजिए, तो वी कैन फिक्स अ टाइम फॉर द कंसल्टेशन एंड मैं उनको थोड़ा और बेटर, उनके उनको क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या सोल्यूशन होना चाहिए वो मैं उनको बता दूंगा। यस सर, यस सर। मंदाकिनी कैन हेल्प कनेक्ट विद डॉक्टर अंकित। Thank you, sir.